टूल किट या फूल किट, ये आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए जुटे हैं। हमारे साथ गंभीर पैनलिस्ट जुड़े हैं और एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ एके मिश्रा जी हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत करते हैं आज डिबेट की मिश्रा जी के साथ। मिश्रा जी, ये फूल किट है या फूल किट है, महामारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सियासत प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए प्रेम जी, आपने दो सवाल पूछे हैं। अगर टूल किट की हम बात करें, टूल किट है या फूल किट है, तो डेफिनेटली टूल किट किसी और ने बनाया है, लेकिन उसका सही प्रयोग किसी और ने किया और जिसने बनाया उसके लिए ये फूल किट हो गया। दूसरा सवाल आपका ज्यादा गंभीर है कि महामारी को हम मैनेज करें कि राजनीति को। एज ए होल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, हम हो, आप हो, जिससे जितना हो सके हमारा फोकस महामारी पे होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा, फिर ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है सर। कारण ये है, हर पार्टी का, हर आदमी का, बल्कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनके अपने गुण धर्म और क्रियाकलाप हैं। तो जिसके जो गुण धर्म है, जो काम है, वो करेगा ही करेगा। राजनीति भी पैरेलल चलती रहेगी, मैनेजमेंट भी अच्छे बुरे तरीके से चलती रहेगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो साथ चलते रहेंगे। इन शॉर्ट ये आपका ओपनिंग आंसर है। राज्य के बात से सहमत हूँ कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, चाहे स्थितियां कैसी भी हो। और ये तो ये इसी सवाल के साथ हम एके मिश्रा जी के पास चलते हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है। एके मिश्रा जी, वही सवाल फिर से आपके पास आ रहा है जहां से हमने शुरू किया। देखिए प्रेम जी, मैंने जो बताया था टूल किट और फूल किट की आपने बात की थी, मुझे इस चीज में कोई गुरेज नहीं है। विपक्ष को, पक्ष को, सोशल मीडिया वगैरह ये सब टूल है, और बाकायदे उनको अपने चुनाव प्रचार के लिए इन सब चीजों को प्रयोग करना चाहिए। ऑब्जेक्शन मुझे यहाँ पे है, ऑब्जेक्शन मैं क्यों करूंगा, बल्कि जो चीज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। पहली चीज ये है कि बीजेपी ने जो 2014 में सक्सेसफुली कर लिया, वो ये 5-6 साल पीछे है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो एज ए होल पूरे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को आपको मैनेज करना आना चाहिए, और स्ट्रेटजिक बढ़त आप बना के रखिए। चलिए देर आए, देर आने के बाद भी मिश्रा जी, मैं कंप्लीट लाइन जोड़ता हूँ, बस आपको ही बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, गोमूत्र पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये रामबाण है, कोरोनिल है, ये खत्म हो जाएगा कोरोना। गोबर लगा लीजिए पूरे शरीर में, कोरोना नहीं होगा। या वो भाभी जी पापड़ खा लीजिए, कोरोना नहीं होगा। इस तरह की जो चीजें हुई हैं और ऐसे लोगों के मुंह से हुई हैं जो कि जिम्मेदार हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या टूल किट नहीं है? नहीं, इसका बड़ा वैलिड आंसर है। वैक्सीन आए हुए 2-3 महीने हुए हैं। चलिए कम से कम यहाँ पे हिंदू समाज में कुछ तो आयुर्वेद में था कि काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो कर लो। 3 महीने पहले जरा मुझे मॉडर्न साइंस में बताइए, इसमें हिंदू समाज कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, सनातन समाज भाई, गोमूत्र क्या सनातन तो हिंदुस्तान की धरती है? नहीं, पूरे गोमूत्र सर आज भी यूनानी दवा हिंदुस्तान में चलती है कि नहीं चलती है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप गोमूत्र की जगह बकरी मूत्र बोल के देखिए, आप बकरी मूत्र पीजिए, ऊंट मूत्र पीजिए, क्योंकि गोमूत्र सीधे सीधे हिंदू समाज से जुड़ा है, तो आप जब बोलेंगे तो उसका परसेप्शन यही बनेगा। मुझे बोलने दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ 3 महीने पहले तक अभी भी ये जो जितनी वैक्सीन है, दवाइयां है, 100% ये ट्रीटमेंट नहीं है सर। मेडिकल में 2 तरीके की दवाइयां होती है, एक होती है डॉक्टर के अग्रवाल साहब, दोनों डोज लेकर के गुजर गए सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह की बात आपने बोल दी है, आपको बधाई हो। देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक होता है प्रिवेंटिव मेडिकेशन, वैक्सीन प्रिवेंटिव में आता है। दूसरा होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मेडिकेशन तो अभी भी नहीं बनी है कि भाई आप टैबलेट लो 100% खत्म हो जाएगा। तो मॉडर्न साइंस के पास 3 महीने तक तो एक भी जवाब नहीं था। हिंदू समाज में आयुर्वेद के पास कम से कम तो जवाब था कि हल्दी का काढ़ा पी लो, गिलो पी लो, और हो सकता है पहले और अभी न जाने कितने लोगों की जाने अनजाने में जान बची हो। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल मिश्रा जी, मिश्रा जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर ये अगर दवा ही होती तो हम मौत का रिकॉर्ड थोड़े बना रहे होते। अगर गोमूत्र पीने से अगर दवा ठीक हो जा रहे होते, कोरोना भाग गया होता, गोबर लगा लेने से अगर कोरोना भाग गया होता, फिर ये साइंस की, मेडिसिन की, ये वैक्सीन की जरूरत क्या थी?
हाँ मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद है वो साइंस नहीं है और वो मेडिसिन नहीं है। ये आयुर्वेद थोड़े है, गौमित्र पीना, गोबर लगाना है आयुर्वेद है। क्यों आयुर्वेद आप पढ़ के देखिए ना, आपको नहीं पता तो मत बोलिए, मैं बताता हूँ आयुर्वेद के ग्रंथ देखिए उसमें उल्लेख है कि नहीं है। हमसे ज्यादा पता है। नहीं, आप आयुर्वेद के ग्रंथ देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी देखिए, जब आपको चीजें पता नहीं होती हैं तो आदमी अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ जतन जरूर करता है, वो चाहे इसलिए इसलिए मिश्रा जी आप पैनल में इसलिए हैं, दर्शकों का ज्ञान वर्धन करेंगे। बिल्कुल बताइए दर्शकों को जी। नहीं, कौन सी गलत बात बोली है सर? गलत बात बोलिए। चलिए चलिए मिश्रा जी, मैं फिर आता हूँ, राहुल लाल जी के पास जाता हूँ। मिश्रा जी थोड़ा थोड़ा सा फिर से फिर आएंगे आप। नहीं, अजामूत्र का मेडिसिनल यूज हो जाएगा, लेकिन गोमूत्र का मेडिसिनल यूज आपको कहीं नहीं दिखता है। जरा ज्ञान को देखिए सर, 1947 के बाद कोरोना से, कोरोना के संदर्भ में बात हो रही है मिश्रा जी, कोरोना के संदर्भ। राहुल लाल जी के पास, कोरोना के संदर्भ में निकली है। राहुल देखिए, अब देखिए जो सवाल यहाँ पे बार बार आप रिस्पॉन्ड करिए जी। नहीं, मैं के मिश्रा जी को ही कर रहा हूँ रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कि जो हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान है, जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, वो केवल हिंदुओं से जुड़ी हुई नहीं है, वो भारतीय समाज में व्यापक तौर पर सबों ने कुछ ना कुछ जोड़ा है। अगर जो दूसरे लोग बाहर से आए, धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद देने की बात नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, और अब ये बताइए, हमने पेटेंट नहीं कराया। नहीं, आप इसके ऊपर चिल्ला व्यंग मत करिए। अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। राहुल लाल जी बोल रहे हैं, हाँ। मन होगा आपको, फिर हम दोबारा चले जाएंगे, ऐसे जवाब दे दीजिए मिश्रा जी, लास्ट में ही जाए आपके पास जी। राहुल लाल, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सारे के सारे डॉक्टर जो बता रहे हैं कि गुजरात में ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पूरा मेडिकल समाज चिंता व्यक्त कर रहा है कि जिस तरह से गोमूत्र और जो गोबर का प्रयोग कर रहे हैं लोग, डरे हुए जिस तरह से हालत में प्रयोग कर रहे हैं, उससे ब्लैक फंगस के फैलने की और भी ज्यादा संभावना है उससे। तो देखिए, आपको संतुलन जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं उनके बातों पर हमें मिश्रा जी भरोसा करके चलना पड़ेगा। और देखिए, अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं कह रहा कि गौमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में नहीं होता, बिल्कुल होता है, डंके के चोट पे होता है, हर कोई मान रहा है इसमें। लेकिन अभी जो स्थितियां है, नहीं, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के साथ उसका क्या रिस्पॉन्स है, नहीं है। हम लोगों ने देखा कि चिकित्सा पद्धति का ही एक अंग है। अब प्रश्न ये आता है, मैं आ रहा हूँ ऊपर कहीं ऐतराज नहीं है। बात तो ये है कि जब जब साध्वी प्रज्ञा बोलती हैं कि हम इस गोमूत्र पीते हैं इसलिए हमें कोरोना नहीं होता है, या कुछ चक्रपाणी महाराज जी बोलते हैं कि गोमूत्र पीजिए, तो फिर आयुर्वेद इस अगर आयुर्वेद में विद्वान लोग मौजूद हैं, चिकित्सा शास्त्र के लोग मौजूद हैं, तो वो बताए ना गोमूत्र का ये उपयोग है। लेकिन इस तरीके से जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कोई चीज किसी को फायदा कर सकती है, किसी को फायदा नहीं कर सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा हो उसके कारण उनको ये फायदा। आदमी अपनी जान बचाएगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद के झंझट में पड़ेगा, जिसको जहां से फायदा हो, चाहे यही है बात, यही है मिश्रा जी, यही बात है, देश में लोगों की जान बचाने का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है, देश में लोगों की जान कैसे बचाई जाए। किसी ने अपने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर किया तो आप उसको निगेटिव क्यों बोल रहे? उनको फायदा हुआ होगा इसलिए उन्होंने बोला, हो सकता है मुझे फायदा ना हो, ये तो इंडिविजुअल मेरे च्वाइस के ऊपर है कि मैं क्या करूंगा। देखिए, व्यक्तिगत कौन क्या करते हैं घर में करें, लेकिन जब ये अनुभव पूरे देश में इस समय भ्रम फैलाने का नहीं है, इसलिए हमारी चिंता है कि गोमित्र पीजिए और हमें बीमारी नहीं होगी। सर, इस नहीं, तरह नहीं, का भ्रम फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए। ये मत है, यहाँ पे ये बोला जाता है हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वो क्या? मैं मिश्रा जी, मैं योगेश सोनी जी से जुड़ता हूँ, उनसे भी यही सवाल ले लेता हूँ। मैं फाइनल वर्जन के लिए, अब ये चर्चा के समापन का वक्त आ रहा है, मैं ए के मिश्रा जी के पास चलता हूँ। ए के मिश्रा जी, आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस डिबेट को आप समापन की ओर ले चले।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, महामारी के समय पे हम लोगों का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन है इंडिया। यूनियन का मतलब ये होता है कि एक आदमी को भी अपना केवल अधिकार नहीं कर्तव्य समझना चाहिए। ये महामारी का जो प्रसार हुआ है उसमें इंडिविजुअली मैं एक आदमी की भी कमी देखता हूँ और सरकार पक्ष विपक्ष में सबकी कमी देखता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि आपने जो अभी बोला कि अगर टूल किट का प्रूफ है तो वो कानून का क्यों नहीं करते, भाई बंगाल में तो कानून का ही पालन हो रहा था ना, हाई कोर्ट को घेर लिया। ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सबको देखना पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष को यहाँ पे, और जो वैज्ञानिक पद्धति है या जो भी हो सकता है जिस हिसाब से जल्दी इससे मुक्ति मिले। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी विलिंगली इस चीज को स्प्रेड होने दे रहा है, कोशिशें सब कर रहे हैं, वो कोशिशें नाकाम है, सफिशियंट नहीं है, पचासों कमियां है, 70 साल जी, का जी, जो मैं, ग्रोथ मैं, हुआ मैं है, करता हूं, है। जी।